प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से की अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मेरे देश के सपूत ही देश के सबसे बड़े सबूत हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दल एक दिवसीय दौरे पर जाएंगी अयोध्या। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना की प्रक्रिया आज से शुरू। इस चरण में प्रदेश के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं शामिल। 4 अप्रैल तक दाखिल होंगे नामांकन। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अयोध्या और मिर्जापुर में आयोजित किए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिव्यांगों ने निकाली रैली। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की। उनकी पहली रैली मेरठ में हुई। प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मन बना चुका है और रैली में उमड़ा जन सैलाब 2019 का जनादेश है। विरोधियों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दिल्ली में इन महामिलावट के लोगों की सरकार थी तो आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे। ये आतंकवादियों की भी जात और पहचान देखते थे और उसी आधार पर पहचान करते थे कि किसको बचाना है या फिर सजा देना है। आर्थिक आरक्षण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% तक आरक्षण देने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया है। जब आपने यह खबर सुनी होगी तो आपको भी गर्व हुआ होगा। बालाकोट हमले पर सबूत मांगने वालों पर पीएम मोदी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि हमें सबूत चाहिए या सपूत। मेरे देश के सपूत ही मेरे देश के सबसे बड़े सबूत। चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी स्तर पर पहुंचाया गया है। भारत अंतरिक्ष की महान महाशक्ति बना वो इसलिए कि प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण भारत दुनिया में कोई स्थान नहीं पा सका था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण भारत दुनिया की 6ठी आर्थिक शक्ति बना है। पहली बार इस देश में योजनाओं का लाभ जात पात भाषा देखकर नहीं बल्कि हर वर्ग को देखकर बिना भेदभाव के मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर योजना का लाभ आज हर गरीब तक पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। स्ट्राइक के माध्यम से, दो सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है। पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, हर जगह एक ही नारा है और एक ही भाव है, मोदी मोदी का। पूरे देश के अंदर एक भाव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर में नागरिकों के बीच भेदभाव के लिए जिम्मेदार बताया है। अरुण जेटली ने आज इस बारे में न सिर्फ एक ब्लॉग लिखा बल्कि वीडियो के जरिए अपनी राय भी जाहिर की।
अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में नेहरू के दृष्टिकोण उचित नहीं थे और अब समय आ गया है कि हम विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा को विराम लगा दें। नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था जम्मू कश्मीर पे वो सही था। उसका असर ये हुआ कि अलग अस्तित्व से यात्रा अलगाववाद की तरफ चली गई। स्वाभाविक है कि आज वक्त आ गया है कि कानून का राज जम्मू कश्मीर में भी हो, और इसलिए पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कानून के राज की एक व्यवस्था बनी है। अलगाववाद की जड़ जहां से पैदा होती थी, ऐसी संस्थाएं जमायत इस्लामी, JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो लोग इस देश से अलग होने की वकालत करते थे उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और जनता के लिए एक शांति का माहौल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी द्वारा घोषित कांग्रेस की 72,000 रूपये वाली योजना को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रचार करने के लिए कांग्रेस जल्दबाजी में ये योजना लेकर आई है। गड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में कुछ ना कुछ भैया नैरेटिव करा, कांग्रेस की भी चर्चा हो टीवी के ऊपर, उसको उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना लेकर आ गए। और ये पूरी तरह एक्सपोज्ड है ना, इसके ऊपर जो इसके ऊपर पैसा खर्च होना है, ये चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी, आज जो योजना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो 118 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो जा रही है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये बंद करना चाहते हैं। ये इन सभी योजना को बंद करना चाहते हैं और शायद किसी के अपने परिवार के किसी के नाम पर ये योजना शुरू करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी। तीसरे चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 115 चुनाव क्षेत्रों में 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। अगले दिन उसकी जांच की जाएगी और 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। गुजरात लोकसभा की सभी 26, केरल की 20, कर्नाटक और महाराष्ट्र की 14 और साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों के लिए भी मतदान होगा। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव तिवारी ने बताया कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में कुल 1,76,00,000 मतदाता हैं, जिनमें 95,05,000 पुरुष तथा 80,00,000 से अधिक महिला हैं। उन्होंने बताया कि इस चरण में 983 थर्ड जेंडर के मतदाता भी हैं। डॉ. तिवारी ने बताया कि तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 12,128 मतदान केंद्र और 2,116 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बदायूं में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बदायूं जिला प्रशासन ने नामांकन को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया गया है, जो नामांकन कराने के लिए आने वाले सभी लोगों पर निगरानी कर रहा है। जिले में तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। नामांकन जिलाधिकारी कक्ष में जमा होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ जुलूस आने पर प्रतिबंध है। प्रत्याशी के साथ सिर्फ उसके प्रस्तावक ही नामांकन कक्ष में जा सकते हैं। हमने मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर जानकारी दी है और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी बैठा करके उनको भी निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों और से अवगत करा दिया है नामांकन की पूरी प्रक्रिया से। साथ ही साथ नामांकन दाखिल करने के समय केवल उम्मीदवार और उसके साथ 4 अन्य लोग ही हमारे नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकते हैं, इस बात को भी बता दिया गया है। और 3 गाड़ियों के साथ कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। गाड़ियां 100 मीटर दूरी पर रोक दी जाएगी, वो जगह चिन्हित कर दी गई है। बैरिकेडिंग वगैरह चारों तरफ हो रही है। इस्लामिया में जो पार्किंग होगी, और जहां तक बात इसकी है कि सुरक्षा व्यवस्था की, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चार चौबंद कर दी गई है। उधर फिरोजाबाद में भी तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय स्थित दबरई पर चारों ओर बैरिकेटिंग लगाकर बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बैरिकेटिंग पर मतदान कर्मियों के प्रवेश पर तलाशी ली जा रही है और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोक दिया जा रहा है।
महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ली जा रही है। दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा गया है जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। एडीएम छोटे लाल मिश्रा ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और पार्टियों के वाहन एवं भीड़ पर भी नजर रखी जा रही है। फिरोजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में आज 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें जो है प्रत्याशी जो होगा, जो नेशनल पार्टी और नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, इनके प्रत्याशियों के साथ केवल प्रत्याशी के अलावा 4 और लोग रहेंगे जिसमें उनके समर्थक रहेंगे। कोई अधिवक्ता करना चाहते हैं या कोई और जो है जांच पड़ताल के लिए, तो 5 व्यक्ति जाएंगे, मैक्सिमम 5 व्यक्ति जा सकते हैं। यदि कोई निर्दल प्रत्याशी है तो उसके 10 प्रस्तावक होंगे, लेकिन वो भी 2 बार में जाएंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों को हम जाने नहीं देंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी और उसके 4 जो है उसके साथ 4 अन्य लोग ही जा सकते हैं। बाकी पूरे कलेक्ट्रेट की बैरिकेडिंग की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय की। प्रियंका वाड्रा ने कल देर तक रायबरेली में भुएमऊ गेस्ट हाउस में आई थी, जहां आज सुबह से ही बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। प्रियंका वाड्रा ने अमेठी में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी रणनीति बनाई थी। आज उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां पर सोनिया गांधी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कराने के टिप्स के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को रणनीति बताई। कल प्रियंका गांधी एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगी। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना है कि वो पार्टी के निर्देश के मुताबिक प्रचार करेंगी। कांग्रेस इज राइट नाउ नॉट इन द पावर इन द सेंटर। इट सेल्फ काइंड ऑफ डिफाइंस माई इंटीग्रिटी, माई इंटेंशंस एंड माई स्टैंड्स, नॉट फॉर कांग्रेस नेसेसरली बट माई स्टैंड्स फॉर माई कंट्री, फॉर माई सेल्फ। ना मैं इलेक्शन के चलते यहाँ आई हूँ, ना इलेक्शन के होने के बाद गायब होने वाली हूँ। जो मुझे चीजें कहनी है, मुझे मुद्दे उठाने हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो इलेक्शन से आगे जाने वाले हैं। तो अगर मुझे मिलता है टिकट तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी कि अपने लोगों के लिए। देखिए, मैं पूरी मुंबई को अपना घर मानती हूँ, मैं मुंबई कर हूँ सबसे ज्यादा। सो मेरे ख्याल से ज्यादा चीजें बाहर से करने की जरूरत नहीं है। इटावा लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया का इटावा में जगह जगह स्वागत किया गया। श्री कठेरिया ने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि आगरा में विकास कार्य किया, लेकिन अब इटावा की जिम्मेदारी दी गई है, इसे भी मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। केवल लक्ष्य ये है कि जो भी जहां भी कठिन थोड़ी बहुत कहीं कुछ इस तरह की सीटें हैवी, मान लो कहीं कुछ तो हमारा नेतृत्व कुछ लोगों को हमेशा हर लोकसभा में बदलता रहे, और मुझे भी इसीलिए यहां भेजा है कि आप अपनी जन्मभूमि पर वहां पर सेवा जाकर। पार्टी तो परिवर्तन करती है स्वाभाविक रूप से, ये हर जब पार्टी मैदान में उतरती है तो वो सब तरह के अपना गढ़ लगाती है। लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी की आज जारी सूची में मुरादाबाद, बरेली, उन्नाव, झांसी और कुशीनगर के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उधर सीपीआईएम ने आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से उनकी पार्टी नए भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और एक सभ्य जीवन पार्टी का मुख्य एजेंडा। नंबर 1 टू सेव द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिपब्लिक, नंबर 2 टू कंसोलिडेट ऑन इट, नंबर 3 टू क्रिएट ए बेटर इंडिया थ्रू ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, एंड दैट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पैकेज इज व्हाट द सीपीआईएम इज ऑफरिंग इन दिस मैनिफेस्टो। इंडिया वी बिलीव डज नॉट हैव एनी शॉर्टेज और डर्थ ऑफ रिसोर्सेज। There are sufficient resources in our country to provide our youth with employment, quality health,
एजुकेशन एंड ऑल आवर पीपल ए डिसेंट लाइवलीहुड। हापुड़ में बसपा नेता और गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी ने चुनाव कार्यालय पर सपा बसपा और आरएलडी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ। लोकतंत्र का उत्सव, जनता है भागीदार। देखिए जनदेश 2019 27 मार्च से रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, और अब बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनावी मैदान में हाथरस से सपा बसपा व राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से रामजीलाल सुमन, भाजपा से राजवीर सिंह दिलेर, कांग्रेस के त्रिलोकी राम दिवाकर उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की इस बार की जंग में भाजपा ने वर्तमान सांसद राजेश दिवाकर का टिकट काटते हुए हाथरस संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके किशन लाल दिलेर के पुत्र इगलास विधायक राजवीर सिंह दिलेर को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी इगलास के पूर्व विधायक त्रिलोकी राम दिवाकर को हाथरस से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। सपा बसपा व राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन प्रत्याशी सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन पर दांव खेला है। राजवीर वर्तमान में इगलास विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। इसका कुछ हिस्सा हाथरस लोकसभा में आता है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकी भी इगलास विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा बसपा व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी रामजीलाल सुमन सपा के कद्दावर नेता हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। चुनाव के ऑब्जर्वर लगातार राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से मुलाकात का समय दे रहे हैं। चुनाव प्रेक्षक ने नागरिक सुरक्षा कार्यालय में निर्वाचन कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अब मथुरा लोकसभा में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 12 उम्मीदवारों के नाम खारिज कर दिए गए। नामांकन पत्रों की समीक्षा हो गई है और उसमें जो वैध प्रत्याशी है या जिनके नामांकन पत्र जिन कारणों से अस्वीकृत हुए हैं वो उसकी समीक्षा करके नाम निर्देशन पत्रों में अंकन कर दिया गया है। जो वैध प्रत्याशी हैं उनकी सूची अभी नोटिस बोर्ड पे लगेगी, आप उसको देख सकते हैं। लखनऊ में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिव्यांगजनों के लिए बूथ पर जाने की सुविधा समेत सारी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और बूथ को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। अधिकारी स्वयं बूथ का दौरा कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी न उठानी पड़े। जनपद लखनऊ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनज़र सारी तैयारियां समय से पूरी की जा रही हैं और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन कर दिया है, जो उड़न दस्ते के रूप में या स्टैटिक स्क्वाड टीम के रूप में अपने ड्यूटी पे कार्यरत हैं। इसके अलावा वीडियो सर्विलांस टीम भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा 26 से लेकर 28 मार्च के बीच में प्रत्येक मतदान केंद्र का सत्यापन किया गया है और जो भी मतदान केंद्रों पर कमियां पाई गई हैं एएमएफ से संबंधित
वो सारी कमियों को हम लोग दूर कराने के लिए हम लोगों ने विभागों के साथ कई बैठकें भी कर ली हैं, काफ़ी कमियां पूर्ण कराई जा चुकी हैं। स्कूलों में जहां तक हमारे पार्टी का सवाल है तो हमारी पार्टी की तरफ से सभी हमारे बूथ अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वोटर लिस्ट लेकर के जो है अपने क्षेत्र में जो भी वोटर हैं उनको संज्ञान में लाएं कि उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और जिनका नाम नहीं है वो इस समय 8 अप्रैल तक जो अभी एक अभियान चल रहा है जिसमें वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, वो भी सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथों पर व्यवस्था की जा रही है कि मान लीजिए कोई विकलांग हो तो उसको एक अलग से व्यवस्था की जाए जिससे वो आसानी से वोट डाल सकें, और लोगों को बुला करके अभी पिछले रविवार को भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें क्षेत्रीय लोगों को जागरूक किया गया था, उनको बताया गया था कि वोट कैसे डालना है और आसपास लोगों को कैसे जागरूक करना है कि वो आकर के वोट मतदान उस करें। चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर 5 बूथ हैं, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये इलेक्शन की वजह से काम चल रहा है, साफ सफाई हो रही, ये जो कार्यालय बना है ये इलेक्शन की वजह से बना। लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास भवन से निकली रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर संपन्न हुई। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने मतदान दिवस पर शत प्रतिशत मतदान करने को कहा। उन्होंने दिव्यांगों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के उत्साह से हम सबको सबक लेते हुए मतदान अवश्य करना चाहिए। ये हमारे जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे जितने पीडब्ल्यूडी वोटर हैं जो विकलांग वोटर हैं उनका 100% मतदान कराने के लिए और इनके माध्यम से जनपद के अन्य समस्त नागरिकों को जो हमारे वोटर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इसके लिए आज ये रैली हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें जनपद के सारे हमारे दिव्यांगजन लोग शामिल हैं, इसमें हमारे शहर के जितने गरीब ई रिक्शा चालक हैं वो लोग भी शामिल हैं। इस रैली के माध्यम से हमें जनपद वासियों को से अपील करना चाहते हैं कि जब हमारे विकलांग सम्मानित व्यक्ति अपना वोट देने के लिए तैयार हैं तो वो भी 100% अपने घरों से निकले और 19 मई को मतदान करें। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में शत प्रतिशत मतदान के लिए चौक से रिकाबगंज तक सैकड़ों दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने दिव्यांगों को माला पहनाकर रैली को रवाना किया। लोगों से अपील की कि मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान में अपनी भूमिका निभाएं। एक अच्छे लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए सभी लोग मतदान केंद्र जरूर पहुंचें और मतदान करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने दिव्यांगों को जानकारी दी, उनके लिए मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर मौजूद रहेगी। रैली निकाली गई है, ये इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे सभी प्रकार के मतदाता, बाकी लोग तो उतना वोट डालने जाते हैं लेकिन जो हमारे दिव्यांगजन है स्पेशली वो वोट डालने में इनको, क्योंकि दिव्यांगजन के कारण वो थोड़ा बूथ में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये रैली के माध्यम से उन लोगों को भी एक जागरूक करने का प्रयास किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि सभी लोग मतदान करें, क्योंकि उनका एक मोटो भी है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि एक जो अक्षम व्यक्ति है वो भी वोट डाले, और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक बूथ पर विकलांग जन की सहायता के लिए एक व्हील चेयर भी वहाँ रखी जाएगी, और जो लोग जो दूर दिखाई नहीं दे रहा या कम दिखाई दे रहा है तो उन लोगों के लिए भी वहाँ पर ब्रेल लिपि की भी जो डिवाइस रखी जाएगी ताकि हर आदमी वो मतदान कर सके। समाचार अभी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर, चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ DD UP पर रोजाना शाम 4 बजे।
विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री और आईसा तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए शुरू की गई वेबसाइट www.nvsp.in और हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु से बड़े अधिक से अधिक लोगों को इन सुविधाओं के माध्यम से तत्काल मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहिए। सलिल कुमार मिश्र ने मतदाताओं से यह भी अपील की कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में बिना किसी प्रलोभन अथवा भय के निष्पक्ष मतदान करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। लोकसभा चुनाव में जहां सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं बुलंदशहर में एक पोस्टर नोटा का समर्थन कर रहा है। इस पोस्टर में एक प्रत्याशी जिसका नामांकन रद्द हो चुका है, उसने नोटा पर मतदान करने की अपील की है, लेकिन मतदान की अपील के साथ ही साथ शर्त भी लगाई कि यदि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता, इसलिए मामला संज्ञान में आते ही उक्त व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के लागू होते कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी संपत्ति चाहे